हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग 11.4 का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम सेम टू सेम है, वन की तरह ही। सेम क्या कह लो, उससे इजी कह लो, क्योंकि वहां पर तो हमको एरिया निकालने के बाद उसको हेक्टेयर में भी कन्वर्ट करना था, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं करना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टू है ना, इसे सॉल्व करने से वीडियो में सीखेंगे। बाकी अगर आपने वन वाला वीडियो देखा है तो एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं बनेगा तब वीडियो को आगे देखना, और अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है आपको पता ही है, मैं हमेशा पूरे वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो आइए पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, ए 3 मीटर वाइड पैथ रन आउटसाइड एंड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप में पार्क है हमारे, और उसके चारों साइड क्या है, एक 3 मीटर का हमारा रास्ता है, पैथ है, ठीक है। और जो पार्क का लेंथ है वो कितना है, तो 125 मीटर है, और जो ब्रेथ है उसकी वो कितनी है, 65 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैथ, तो पैथ का एरिया फाइंड करो। जैसे देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, बस उसमें एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया था हेक्टर वाला, वो यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया है। तो देखो इसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने जैसे बनाया था ना कि जो हमारा अंदर का जो हमारे से देखो ये गार्डन हो गया, गार्डन के बाहर पहले 5 मीटर का रास्ता था, तो हमने क्या किया था कि सभी साइड 5 मीटर का रास्ता बना लिया था। तो ऐसा छोड़ो ना, मैं इसको कैसे समझा रहा हूँ, जो आपको समझाया नहीं है क्वेश्चन टू, तो मैं वन में फालतू ना जा रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लेना, समझ लेना। चलो मैं इसी को समझाता हूँ। देखो हमारे पास एक गार्डन है रिक्टेंगल शेप में, 125 उसकी लेंथ है, 65 उसकी ब्रेथ है, ये समझ में आ गया इतना। अब इसके चारों साइड क्या है, एक रास्ता है, और ये जो रास्ता है ना वो 3 मीटर का है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं 3 मीटर का मतलब क्या है, 3 मीटर वाइड का मतलब ये है ना कि इसकी जो चौड़ाई है रास्ता है कि वो 3 मीटर है, चौड़ाई मतलब समझ रहे हो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना ये 3 मीटर है, इधर भी जो है वो 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी जो है ना चौड़ाई वो 3 मीटर है, और सभी साइड जो क्या है 3 मीटर है चौड़ाई। तो अपने को क्या करना है, इसी रास्ते का एरिया निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला रिक्टेंगल है इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले रिक्टेंगल को, तो बच जाएगा ये वाला इलाका, और इसी को तो हम लोग रास्ता बोल रहे हैं, इसी को तो अपन पैथ बोल रहे हैं, और इसी का एरिया हमको निकालना है। तो सिंपली आपको बाहर का एरिया निकालना पड़ेगा और अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी बड़े डब्बे का एरिया छोटे डब्बे का एरिया, तो आपको उन दोनों को माइनस करना, तो ये बीच का जो एरिया है ये वाला रास्ता वाला, ये एरिया ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा, आपको कुछ उसको अलग से फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसको कैसे निकाला जाए, बाहर का एरिया निकालने के लिए, यानी कि जो बड़ा वाला डब्बा हमारा है, बड़ा वाला रिक्टेंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए इसका लेंथ और ब्रेथ तो पता होना चाहिए ना, तो वो कैसे पता चलेगा, वो देखो आप। पहले देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी दूरी है वो 125 है, और हमको क्या बोला गया है कि जो रास्ता है वो 3 मीटर चाहिए सभी साइड है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक भी वो क्या होगा, 3 मीटर होगा। जैसे इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर होगा और इधर भी 3 मीटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, तो 125 में इधर भी 3 ऐड कर दो तो 128 हो गया, और इधर भी 3 ऐड कर दो तो 128 और 3 कितना हो जाता है, 131 हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो पूरा हमारा जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 131 मीटर हो जाएगा। समझ में आया 131 कहाँ से आया, फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक 125 है, इधर भी 3 मीटर है रास्ता और इधर भी 3 मीटर है, तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर अपन 125 में अगर 6 ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो ये जो हमारा ये वाला जो लेंथ है और ये लेंथ है एक ही चीज़ ना है भाई, अलग अलग थोड़ी है, दोनों की जो लेंथ होगी वो बराबर ही होगी। तो यहाँ पर 125 में 6 ऐड कर दो तो हो गया 131, इसका मतलब जो टोटल लेंथ है इधर से हमारा वो 131 मीटर है। सेम टू सेम उसी तरीके से आप ब्रेथ निकाल दो, देखो यहाँ से यहाँ तक 65 है, इधर भी 3 मीटर ऐड कर दो और इधर भी 3 मीटर ऐड कर दो, तो ये जो हमारी टोटल इसकी ब्रेथ है बड़े वाली रेक्टेंगल की वो पता चल जाएगी। तो 65 और 3 3 6, 65 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 71 आ जाएगा। इसका मतलब जो बड़ा वाला हमारा रेक्टेंगल है उसका जो ब्रेथ है वो कितना है, 71 मीटर है। अब आप इसको लिखो कैसे, तो सिंपल एकदम स्टेटमेंट लिखो, एरिया ऑफ गार्डन, सबसे पहले तो गार्डन का जो एरिया वो निकाल दो, तो गार्डन यानी कि अंदर वाला जो हमारा छोटा वाला जो है, तो वो कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 125 का 65 से, तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा पिछड़ा दिखने लगेगा, बहुत खराब दिखने लगेगा, इसलिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 5 5 25 का 5 कैरी हो गया 2, 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद 6 5 30 का 0 कैरी हो गया 3, 6 2 जो हमारा 12 और 3 15 का 5 कैरी हो गया 1, 6 6 और 1 7, ये 5 आ गया, 2 आ गया, ये हमारा 11 का 1 और ये आ गया हमारा 8, यानी 8125 जो हो जाएगा हमारा ये निकल जाएगा अंदर वाले का एरिया। और ये भी ध्यान रखना कि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में है, तो मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर में आएगा, यूनिट को बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8125 मीटर का स्क्वायर। अब अपन एरिया निकालेंगे बड़े वाले डब्बे का, तो उसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, जो गार्डन की एरिया है किसके साथ, तो इंक्लूडिंग पैथ, रास्ता को जोड़ करके, यहाँ पर लिख दो आप इंक्लूडिंग
पैथ, ठीक है, यानी रास्ता को मिला करके जो एरिया निकलेगा उसमें भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, तो वहां पर जो हमारा लेंथ होगा वो 131 हो गया और जो ब्रेथ होगा वो 71 हो गया, और मीटर मीटर मिलकर के यहाँ भी मीटर का स्क्वायर बना लेंगे। चलो साइड में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और अगर आप फेयर में बना रहे होगे ना तो ये सब मल्टीप्लाई ऐसे सामने मत करें, तो बहुत खराब दिखता है, गलत कर देते हैं टीचर कई बार। उस मल्टीप्लाई वाला काम को आप पीछे में करना, पीछे पेज में। तो ये 131 हो गया, 1 का टेबल पढ़े तो 7 1 7, 7 3 21 का 1 कैरी हो गया 2, 7 7 और 2 हो गया 9, ये आ जाएगा 1, 10 का 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 9, यानी कि 9301 मीटर का स्क्वायर निकल गया हमारा एरिया बड़े वाले गार्डन का। अब अपन को क्या निकालना था, रास्ता का एरिया निकालना था, तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ पैथ यानी कि रास्ता इक्वल टू, अब इसमें से बड़े वाले से छोटे को माइनस कर दो तो आपको बच जाएगा यही बीच वाला एरिया, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 30। बाकी हाँ सॉरी, आप अगर लिखना चाहो ना तो स्टेटमेंट यहाँ पर एक और स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ है ना गार्डन इंक्लूडिंग पैथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन, इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके भी लिख सकते हो, उससे गलत नहीं होगा और बेहतर ही होगा। बाकी अगर नहीं लिखते हो टाइम नहीं एग्जाम में तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 1, और इसमें से माइनस कर देंगे अपन 8125 को, और मीटर का स्क्वायर यूनिट है तो लास्ट में मीटर का स्क्वायर जरूर लिखना। 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेने जाएगा इसके पास कुछ नहीं है, ये दोनों जाएंगे इसके पास, ये अपना 1 दे देगा, ये 10 बन गया, फिर ये अपना 1 इसको दे करके खुद 9 बन जाएगा और इसको 11 बना देगा। 11 में से 6 माइनस हुआ, सॉरी मतलब 5 माइनस हुआ तो आ जाएगा 6 हमारा, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7, यहाँ पर अब 2 बचा है बारह देने के बाद, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, और 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, यानी कि 1176 मीटर का स्क्वायर जो है ना वो उस एरिया है किसका, रास्ते का, पैथ का जो है ना वो एरिया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, देखो पूरा पूरा सेम टू सेम है क्वेश्चन में, 1 की तरह ही बस नंबर चेंज हो गया है। तो दोनों क्वेश्चन आपको सेम मिल गया, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं उसमें कुछ अलग है या फिर वो भी सेम है, ठीक है, उसको भी मैं आपको एकदम इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।